गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंजरायुक्त ने कहा, गोरखपुर में बढ़ाई गई है कोरोना की टेस्टिंग की क्षमता, हो रहा है प्रतिदिन 13,000 जांचें, डेथ रेट कम कर मरीजों को स्वस्थ कर घर भेजना है मुख्य प्राथमिकता। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महानगर को जलभराव से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयार किया है वृहद कार्य योजना। जीएम ने कहा, लेजार्ड सिस्टम से सर्वे कराकर महानगर को कराया जाएगा जलभराव से मुक्त। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के खुटभार गांव में दबंगों के द्वारा एक युवक को पीटने तथा सड़क पर थूक कर चटवाने का वीडियो हुआ वायरल। एसपी साउथ ने कहा, ओमकार सिंह की तहरीर पर दो आरोपियों नारद निषाद और नागेंद्र निषाद को किया गया गिरफ्तार, शेष अभियुक्तों की भी होगी जल्द गिरफ्तारी। कोरोना काल में इस साल दुर्गा पूजा समारोह पर भी लग सकता है ग्रहण। डीएम ने कहा, दुर्गा पूजा को लेकर नहीं आया है कोई भी शासनादेश, माटी कला के तहत मूर्तिकार बना सकते हैं, मूर्तियां नहीं है कोई प्रतिबंध। पीपीगंज थाना क्षेत्र के ताल लिखिया गांव के सिवान पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जुटी जांच में। नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल व जिलाधिकारी के विजय पांडियन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दरगहिया का शिलान्यास व भूमि पूजन। डीएम ने कहा, विद्यालय के निर्माण से क्षेत्र में जगेगी शिक्षा की अलग। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व कर्मियों की बैठक। एसडीएम सदर ने कहा, बनाएं विवादित भूमि की सूची जिससे मामले का जल्द से जल्द हो सके निस्तारण। अवैध रूप से लकड़ी का बोटा मिलने पर वन विभाग ने नकहा स्थित आरा मशीन को किया सील, प्रभागीय वन अधिकारियों ने कहा, की जा रही है विधिक कार्रवाई। 180 केंद्रों पर धान की खरीद करेगा जिला प्रशासन, डीएम ने दी जानकारी, कहा मांग बढ़ी तो बढ़ाई जाएगी क्रय केंद्रों की संख्या। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए आम जनमानस से की अपील, कहा कोरोना जांच शिविर पर पहुंचकर कराएं निःशुल्क कोरोना की जांच। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के लोकार्पण के दौरान हंगामा कर रहे सपाइयों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से की मुलाकात, मिला आश्वासन। जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन द्वारा पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को 1000 पीस कोरोना बचाव किट का किया गया वितरण। एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ कोरोना बचाव के लिए है प्रतिबद्ध। गोरखपुर में बुधवार को कोरोना के मिले 420 नए संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 11,961, एक्टिव मरीज हुए 3,106। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। बड़हलगंज पुलिस ने टॉप 10 की लिस्ट में शामिल अपराधी को एक चाकू के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वन विभाग की टीम ने शहर में अवैध रूप से तोता बेच रहे विक्रेताओं के खिलाफ चलाया अभियान, पिंजरे सहित प्रतिबंधित तोता किया बरामद। प्रभारी वन अधिकारी ने कहा, तोता बेचने पर है पूरी तरह प्रतिबंध, हो सकती है जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में छात्रों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को कैंट पुलिस ने रोका, दिया 144 धारा का हवाला, खत्म कराया यात्रा। और निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए रविंद्र निषाद, सदस्यों ने किया माल्यार्पण, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया निषाद आर्मी के प्रमुख उद्देश्य को पूरा कराने का संकल्प।